Now we are going to talk about the classification, the another classification of the phylogenetic classification system. Phylogenetic classification system based on the evolutionary relationship. Evolutionary relationship means from which you take your generation. मीन्स आप जो एनिमल है जो लिविंग बींग है वो उसका एंसेस्टर कौन है मतलब उसने ओरिजिन अगर इफ वी टॉक अबाउट आवर सेल्स सो आई थिंक द यूनिसेल्युलर और सिंगल सेल्ड एनिमल ऑर्गेनिजम्स वाज द अमीबा हम ये मान लें कि सिंगल सेल जो था मेरिन क्रिएचर था सबसे पहले वाटर में अमीबा ही हुआ अमीबा के बाद जब वो मल्टीसेल्युलर होके फ्यूज होके मल्टीसेल्युलर बना तो पहली जो जो क्रिएचर आया वो मैक्सिमम हमारी बॉडी का शेप देखते हुए फिश अगर हम है तो हम फिश हमारी एंसेस्टर है अगर ये मान ले पर हम ये मानते हैं कि डार्विन टोल्ड दैट द एप्स आर अवर एंसेस्टर डार्विन ये कह के गए कि लंगूर जो होगा हमारा एंसेस्टर है पर लंगूर का एंसेस्टर कौन है ये क्वेश्चन तो रेज होता ना लंगूर कहां से है सो दैट इज द उसने सीधी सी बात कही फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में किस पे बेस्ड होगा वो कहां से पैदा हुआ उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है ना एवोल्यूशन कहां से हुआ वो रिलेशनशिप अब कैसे पता लगेगा उसका ये मानना है ये जो है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ये मानती है कि सेम टेक्सा है अ कॉमन एंसेस्टर जिनका टैक्सोनॉमी सेम है उनका जो है एंसेस्टर जो है पूर्वज है वो कॉमन है कॉमन एंसेस्टर से ये हमको ध्यान रखना है देखिए फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड विच इज बेस्ड ऑन द सेम टैक्सा एट द कॉमन एंसेस्टर ठीक है तो पहला क्लासिफिकेशन ये हो गया कि अगर टैक्सोनॉमी सेम आ रही है तो सीधी सी बात है कैसे पता लगाएंगे है ना न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी अब न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो है वो ये कहती है कि ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक कितने हैं जिनको हम काउंट कर पाते हैं है ना ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड होती है फिर साइटोटैक्सोनॉमी जो है साइटोटैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन अब साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या होगी हमारी बेसिक जो यूनिट है स्टडी करने की नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब क्रोमोसोम नंबर पर डिपेंड करता है स्ट्रक्चर क्या है और उसका बिहेवियर क्या है ठीक है क्रोमोसोम नंबर पे ही उसका पूरा जो है कैरेक्टरिस्टिक और स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के साथ बिहेवियर भी जो है वो पूरा डिपेंड करता है तो ये किसमें आ जाएगा साइटोटैक्सोनॉमी में आ जाएगा ठीक है अब आता है केमोटैक्सोनॉमी दैट मीन्स केमिकल कंपोजिशन क्या है उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन ट्यून्स क्या है अब हम एल्गे की बात करें तो क्लोरोफिल उसका मेन वो हो गया ठीक है अनादर जितने भी केमिकल्स उसके अंदर है कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च है या जितने भी हमारे केमिकल कंपाउंड है वो सारी चीजें ठीक है तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जैसे हम प्लांट्स में प्लांट्स की बात करें केमिकल कंपाउंड तो क्या होता है सीधा है वाटर है H2O है CO2 को लेता है ऑक्सीजन वो नाइट में CO2 को रिलीज करता है और नाइट में ऑक्सीजन वो लेता है मतलब उसमें O2 है CO2 है वाटर है क्लोरोफिल है ना सनलाइट को